नमस्ते, किया के किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे नल्ली निहारी, बिल्कुल वही स्वाद वाली जैसे पुराने जमाने में मिलती थी। इस वीडियो में हम देखेंगे इसकी स्टेप बाय स्टेप रेसिपी, ताकि आप आसानी से बना पाएं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो आप वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं नल्ली निहारी। इसको बनाने के लिए आपको लगेगा 500 ग्राम मटन बोन्स के साथ, 2 टेबलस्पून तेल, 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 3 बारीक कटे हुए प्याज, 2 टेबलस्पून बेसन, 3 टेबलस्पून दही, स्वादानुसार नमक, आधा टेबलस्पून हल्दी, हरा धनिया, 2 टेबलस्पून घी और 2 टेबलस्पून केया नल्ली निहारी मसाला। जब मसाले एकदम बारीक पीसे जाते हैं तब उनमें मौजूद महत्वपूर्ण तेल उड़ जाते हैं और उनका स्वाद और खुशबू कम हो जाते हैं। केया ने इसलिए मसाले को दरदरा रखा है और इसमें खड़े मसाले भी हैं, ताकि ये आपको दे पूरा स्वाद और बेहतरीन खुशबू। तो चलो रेसिपी शुरू करें। सबसे पहले हम मटन को मैरिनेट करेंगे। एक बड़ी कटोरी में 500 ग्राम मटन साफ करके रख लीजिए। उसमें 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट और 2 टेबलस्पून दही डाल के मिला लें। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून केया नल्ली निहारी मसाला। और उसको अच्छे से मिला लेंगे। मैरिनेट करते वक्त हम खड़ा मसाला इसलिए डालते हैं ताकि मटन मसाले से अच्छे से कोट हो जाए और उसका स्वाद पूरा आए। अब हम इसे 6-8 घंटे के लिए फ्रिज में रख देंगे। अब एक कढ़ाई में 2 टेबलस्पून तेल और 3 बारीक कटे हुए प्याज डाल के गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से भून लेंगे। अब 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन पेस्ट, 1 टेबलस्पून केया नल्ली निहारी मसाला और थोड़ा पानी डाल के एक उबाल आने देंगे। अब डालेंगे मैरिनेटेड मटन। एक एक करके सारे पीसेस डाल लें और अच्छे से मिक्स कर लें। अब 2 टेबलस्पून बेसन दही में मिला के डालेंगे। जरूरत के हिसाब से पानी डाल लें। कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, खुशबू से ही पता चलता है खाना अच्छा पका है। ये हम प्रेशर कुकर में ट्रांसफर करके 5-6 सीटी होने तक पका लेंगे, या आप इसे 1 घंटे तक कढ़ाई में भी पका सकते हो। अब इसमें जाएगा 2 टेबलस्पून घी, हरा धनिया। चलो हम इसे परोस लेते हैं। कितना सुंदर रंग आया है। सबसे अंत में हरे धनिए के साथ गार्निश करें और ये रेडी है नल्ली निहारी। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और बताइए कैसी लगी। घर में सबको बहुत पसंद आएगी। ऐसी ही और रेसिपीज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।